बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद अब हरियाणा के आईटी सेल प्रभारी अरुण यादव को पद से हटा दिया है। उन पर यह कार्रवाई उनकी कुछ विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के कारण की गई है। उन्होंने 2017 में कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिन पर अब उन पर कार्रवाई करने की मांग पार्टी के अंदर ही उठी थी और उन्हें पद से हटा दिया गया। बता दें कि बीजेपी को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा कि सोशल मीडिया पर अरुण यादव के साथ साथ पार्टी को भी ट्रोल किया गया और ट्विटर पर गुरुवार को अरेस्ट अरुण यादव ट्रेंड कर रहा था। इसके साथ ही अरुण यादव को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई थी। इससे परेशान हरियाणा बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल के तहत अरुण यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग यादव के समर्थन में थे और तर्क दे रहे थे कि विवादित पोस्ट 5 साल पुराना है, पर नुपुर शर्मा कांड में फजीहत होने के बाद बीजेपी फूंक फूंक करके दहक रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक बयान जारी कर कहा कि अरुण यादव को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। यादव का ट्वीट 2017 का है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन लोग उनकी गिरफ्तारी की ऑनलाइन मांग कर रहे हैं। याद दिला दें कि इसके पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और उस पर देश विदेश में बवाल मचने के बाद पद से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी के नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन नुपुर शर्मा कांड पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के अमरावती और राजस्थान के उदयपुर में अलग अलग वारदातों में तेज धारदार हथियार से 2 लोगों की हत्या कर दी गई। इन दोनों ने ही फेसबुक पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। दोनों ही लोगों को हत्या के पहले धमकी दी गई थी। इन कारणों से बीजेपी इस तरह के किसी भी मामले में चौकन्ना रहने की रणनीति पर चल रही है और फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है।